प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कौन आता? अब भी आता? अरे माधुबन तुम आओ आओ, हम तुम्हारा ही वेट करते। पहले आई सी हम दूत को आता है वेंकटेश। कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं, डोंट वरी टीना, गो इनसाइड, वेरी ऑबीडियंट। अच्छा अच्छा, कल वकील साहब के यहाँ अच्छा मुलाकात हुआ, वरना तुम्हारा तो पता ही नहीं था। ठीक बोलता, ठीक बोलता। अच्छा ये पेपर मैगजीन देखो, हम अभी चेंज करके आता। कोई चेंज नहीं आया वेंकटेश, लगता अभी भी देर से तुम स्नान करता। तो जल्दी क्या आ, आ। कितना सुंदर और आर्टिस्टिक ढंग से सजाया घर को वेंकटेश ने, जैसा किसी फिल्म की शूटिंग का सेट। और ये दीवारों पर लगा पेंटिंग्स कितना अच्छा। वेंकटेश तो ऐसा ना था, हाँ लापरवाह, हॉस्टल में तो बुरे हाल थे कमबख्त के। जरूर ये वेंकटेश की वाइफ रमा का कमाल होगा। नमस्कार माधवन जी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। शायद आप रास्ता भूल गया जो आज हमारे घर आ गया। ऐसा कोई बात नहीं भाभी। तुम हमारा बेटा सुरेश का मैरिज में क्यों नहीं आया? हम लोग कितना वेट किया तुम्हारा। क्या सुरेश का मैरिज हो गया भाभी? अयो नहीं तो क्या। अरे बाबा, हमको इनविटेशन किधर मिला जो हम आता? कार्ड तो दे जाने भाभी, उल्टा हमको ब्लेम करता। हमको ही नहीं, बहुत सारा लोगों को नहीं मिला, पोस्टल डिपार्टमेंट की मेहरबानी से। रामा अब तो भूल सुधार लो, कुछ मिठाई खिलाओ माधवन को, कितने सालों बाद मिला। आ, तुम लोग बैठो जी, हम अब भी आता। पर भाभी मिठाई डबल खाऊंगा। वो क्यों? एक तो सुरेश की मैरिज का, और दूसरा तुम्हारे दादा दादी बनने की खुशी में। लेकिन हम लोग अभी दादा दादी किधर बना? रम्मा ये क्या बोलता? क्या बोलता माधवन? एडवांस में काके जाऊंगा भाभी, एडवांस में। क्या मालूम कल को तुम्हारे पोता हो, पोता, और तुम इन्विटेशन भेजो, हमको मिले ही नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट की मेहरबानी से। और बात ऐसा थोड़ी होता है जी, फिर भी जी भर के मिठाई खाना, हम आप भी आता। वेंकटेश तुम बहुत अलग। क्यों? तुम्हें रमा जैसा इंटेलिजेंट वाइफ जो मिला, कितना सुंदर और आर्टिस्टिक ढंग से सजाया घर को, पेंटिंग्स भी देखो लगाया सेलेक्टेड। ये जो तुम सब देखता, ये रमा ने नहीं, उसने किया। वो? हाँ वो हमारा डॉटर इन ला सीमा, सुरेश का वाइफ। ओ सीमा, नाश्ता नहीं लगाया अभी तक, कितना देर होता जी? नाश्ता लग चुका अम्मा। तो फिर बताइए क्यों नहीं। आओ जी, चलो माधवन, नाश्ता लग चुका, देर मत करना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आओ जी। आओ माधवन, चलो नाश्ता करें। अच्छा अच्छा, आओ। ये सीमा हमारा डॉटर इन लॉ। नमस्कार। जीते रहो बेटा। वेंकटेश बहुत
डाकों में नक चुन कर ला अभी एकदम एक्सीलेंट। थैंक यू जी, बैठो बैठो। शुरू करो जी, तुम भी कहो। हमारा सीमा एकदम होशियार जी, गाना बनाने में एकदम परफेक्ट। पढ़ाई में बहुत होशियार हमारा डॉटर इन लॉ। अच्छा, फर्स्ट क्लास पास किया एम में, पूरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन आया, गोल्ड मेडल भी मिला। बेटी, अंकल को अपना गोल मेडल तो दिखाना। हमारा सीमा बहुत शर्मिला जी, दिखावा जरा भी पसंद नहीं। आम आप भी लाता गोल्ड मेडल। अम्मा प्लीज। अयो जी, देखो देखो माता, हमारा सीमा का गोल्ड मेडल, हमारा पूरा बिरादरी में किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिला जी। वेरी गुड बेटी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सीमा जरा कॉफी तो लाना जी। लो। लो जी मालूम, हमारा सीमा कॉफी भी बहुत अच्छा बनाता जी। अच्छा, बहुत अच्छा। अम्मा, कॉलेज का टाइम होता, हम आता। हाँ, तुम जा, जा। लो जी, काओ। नहीं, सर्विस के साथ साथ पीएचडी भी करता। पढ़ाने भी जाता। अयो, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। लो, लड्डू लो, हमारा सीमा बहुत प्यार से बनाया। नहीं बाबी, हम बहुत खाया। वेंकटेश, अब पहले जैसा यंग नहीं रहा। जी तो नहीं मानता, पर जुबान पर कंट्रोल करके रखना पड़ता। नहीं वेंकटेश? हाँ, बिल्कुल ठीक बोलता। आओ बैठो। अच्छा अम्मा, तुम छोड़ो, मैं करती ना। तुम जाओ जी, आप कर लेगा। 2 मिनट में होता जी, तुम छोड़ो। अच्छा जी। क्या बात है माधवन, तुम लोग कितना हंसता। भाभी, स्टूडेंट लाइफ में ये क्या करता, हमें ये बताता। अम्मा, मैं आती। ठीक है, जल्दी आना बेटा। अच्छा, नमस्कार अंकल। जीती रहो बेटी। हमारा सीमा बहुत अच्छा जी, हम लोगों का खूब ध्यान रखता, दिन भर काम करता। हम सोचता बीमार ना पड़े, कितना बोलता रेस्ट करने का, लेकिन सुनता ही नहीं। तो फिर भाभी, एक कुक रखने का, भगवान का दिया सब कुछ, कमाने वाला बहू से इतना काम लेना ठीक नहीं, लोग क्या सोचेगा। हम भी यही सोचता, लेकिन हमको घर का खाना, अपने हाथ का खाना अच्छा लगता। फिर घर में काम कितना, 4 लोग बस। रम्मा, कभी तो सच बोलो, माधवन पराया नहीं। माधवन, असली बात ये कि रम्मा कुक पे खर्च करना नहीं मांगता। हमने कई सर्वेंट रखा, लेकिन इसने कोई ना कोई बहाना बनाकर सबको भगा दिया। सारा ब्लेम आमी पर, तुम ही बोला सर्वेंट कोई काम का नहीं, तभी मैं निकाली, नहीं तो आम को क्या। आप नाराज नहीं होना बापी, अपना काम करने में क्या बुराई वेंकटेश, समय कटता और खाना भी बढ़िया मिलता। और वेंकटेश, जब बाबी खुद खाना बनाना चाहते तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम। अरे माधवन, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खुद खाना बनाए तो हमको क्या प्रॉब्लम, लेकिन ये तो सारा काम सीमा से कराता, उसको स्टडी का फुर्सत नहीं। जब वो खुद कमाता, उसमें से 200-400 रुपए का कुक रखे तो क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, लेकिन माधवन। एक मिनट रमा, हमको बोलने दो। अगर कोई तेज तर्रार बहू आता तो पता चलता, हमारे भाई के घर ऐसा ही बहू आया, खूब डावरी लाया, अब रानी की तरह बैठता। अगर कोई उससे छोटा मोटा काम भी बोलो तो बोलता, हमारे डैडी ने डावरी इसलिए नहीं दिया कि हम आपके घर का बेगारी करेगा,
रुपया बैंक में जमा करने का और उससे सर्वेंट रखने का लक, हमारा लक जो हमको सीमा जैसा बहु मिला। हंसते हंसते सारा काम करता और कुछ नहीं बोलता। सारा गलती हमारी, हमारे फादर के घर नौकर मोटर बंगला गाड़ी सब कुछ, लेकिन इधर इधर क्या मिला आपको? कुछ नहीं। बाबी गुस्सा नहीं बाबी। अच्छा वेंकटेश, ये टेरेस गार्डन अच्छा मेंटेन किया। थैंक यू थैंक यू। लो, तुम तो जानता वेंकटेश, हम सिगरेट पीना छोड़ा। हम भी छोड़ा, लेकिन क्या करें, टेंशन होता तो पीता, आज पीना मेरी खातिर पीना, प्लीज मेरी खातिर। ठीक है, तुम कहता तो पीता। वेंकटेश, हम जूता जैसा ऐसे बहुत देखा, पर चांदी का बना उल्टा जूता जैसा ऐसे पहली बार देखा। किधर से लाया? लाया नहीं, ये भेंट है, उपहार, गिफ्ट, हमारा समधी दिया। सुरेश सुरेश किधर गया जी, सुनता ही नहीं। सुरेश रम्मा काहे को चिल्लाता? इतना देर से बुलाता जी, सुनता ही नहीं। वो भी देख लेता फोटो अपने मन का लड़की से लेकर। तुम तो ऐसा बोलता जैसा उसका ओपिनियन मान लेगा। वो सब छोड़ो जी, बट उसका चॉइस तो जान नहीं मांगता। ठीक, अब भी बुलाता। अच्छा आओ बेटा बैठो, देखो तुम्हारा अम्मा क्या बोलता। अम्मा कितना देर से बुलाता, सुनता क्यों नहीं? अम्मा स्टडी करता। ओके ओके जी, देखो कितना सुंदर सुंदर फोटो, अपने मन का लड़की सेलेक्ट करने का। आमा तुम्हारा चॉइस है हमारा पसंद। देखा कितना अच्छा मेरा बेटा, हमको तो ये लड़की पसंद। देखो बड़ी लिखी नहीं, बट रिच फैमिली, डाउरी में सब कुछ लाता जी। आमा हमको डाउरी नहीं, एजुकेटेड गर्ल मांगता। हमारा बेटा, जब हम मैरिज किया डाउरी नहीं लिया, हमारा बेटा भी नो डाउरी। आप लोग तो कुछ काया ही नहीं जी। नहीं जी, हमने तो बहुत काया काया काया। ये सब मेरा बेटी सीमा अरेंज किया। बहुत अच्छा किया जी। वेरी गुड। आओ बेटी आओ। आओ बेटी कॉपी इधर रखो। वेंकटेश मेरा बेटी सीमा। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। जीती रे बेटी। ये मेरा छोटा बेटी बच्चला। जीती रे। बैठ बैठ। सीमा एमए किया, फर्स्ट डिवीजन, फुल यूनिवर्सिटी टॉप किया, गोल्ड मेडल भी मिला, अभी पीएचडी करता, पढ़ाता भी। बेटी कॉपी दो ना। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। राघवन हमको तुम्हारा बेटी पसंद, रामा क्या बोलता? हमको क्या जी,
सुरेश से पूछो। सुरेश को भी पसंद, उसका फेस बोलता। हमारा सुरेश बहुत शर्मिला जी। राघवन, हमारा तरफ से रिश्ता पक्का, अब तुम बोलो। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ा खुशी का बात अब क्या होगा जी, कि मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ मेरा बेटी का रिश्ता होता। वेंकटेश, तुम तो जानता, बोलने को मैं सिविल सप्लाई ऑफिसर, लेकिन जानता तुम बहुत बड़ा ऑफिसर, लेकिन बारात का वेलकम फर्स्ट क्लास मांगता, बस और कुछ नहीं। स्वामी, तुम ग्रेट जी। डोंट वरी। तुमको किधर किधर ढूंढा, तुम इतना रिलैक्स, अभी तक तुमने सीमा के फादर से बात नहीं किया ना। रमा क्या बोलेगा, हम खुद बोला नो डाउरी, अभी कैसा बोलेगा जब बारात जाने का। इट्स अ टोटली ब्लैकमेलिंग, वेरी बैड, बहुत छोटा था। हम कुछ नहीं जानता, हमारा बेटा के मैरिज के लिए कितना लोग मोटर बंगला गाड़ी सब लेके लाइन लगाता, लेकिन तुम बड़ा सेंट बनता, महात्मा कुछ नहीं लेगा बोल के आया। हम सोचा इतना बड़ा अफसर खुद देगा, लेकिन वो तुमसे बड़ा सेंट, सुख का नौकरी जी। मामूली से मामूली आदमी भी अपना बेटी के मैरिज में सब कुछ देता। एक बात सुन लो, उनको अभी के अभी बोलो कि 5 लाख रुपया मांगता ही मांगता। क्या बोलता, राघवन एक ऑनेस्ट ऑफिसर, कभी रिश्वत नहीं ली, कहां से लाए 5 लाख। जब वो एक एजुकेटेड बेटी देता, खुद भी कमाता, तो फिर क्यों देगा डाउरी। ठीक है, तुम इधर ही बैठो, चूड़ी पहन कर, हम बात करता। खबरदार, तुम किधर भी नहीं जाएगा, हम बोलता तुम किधर भी नहीं जाएगा। कान खोल कर सुन लो, अगर 5 लाख नहीं दिया तो बारात नहीं जाएगा, समझा तुम। रमा, सीधा लाइन से लगाना। अन्ना को बोलो, अन्ना को, अन्ना अन्ना, उधर। वेंकटेश जी, आप हमको खबर करता, हम दौड़ा दौड़ा आता। स्वामी, हम आना नहीं मांगता, मगर क्या करेगा, मजबूरी। ऐसा क्या हो गया जी, शाम को तो आप बारात लेकर आता ना। राघवन जी, हम क्या बोले, हमारे बेटे के शादी के वास्ते 5-10 लाख का रिश्ता बहुत दुबला था, लेकिन हमने सबको टुकराया। हमको एजुकेटेड गुड लुकिंग लड़की मांगता, आपका बेटी में वो सारा को, लेकिन हमारा वाइफ थोड़ा अलग ढंग से सोच। हमको माफ करना राघवन जी, हम दोनों की फैमिली का रेपुटेशन के वास्ते थोड़ा मनी जरूर देगा। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्यकाचाय।
लो, समधी जी ने तुम्हारे लिए भेजा। छाती का इतना बड़ा बर्तन, क्या इसमें? तुम देखो। बागवन ने राइस मिल एसोसिएशन के मेंबर्स को अपने घर बुलाया, ये गिफ्ट उनका। किसी ने भी दिया जी? आपको क्या? ये क्या जी? चांदी का जूता? माधवन, चांदी का उस बर्तन में नोटों के साथ ये जूता भी निकला। चांदी का जूता जैसा ऐश्ट्रे। माधवन, हमारा समधी ने ये जूता मेरे सर पर नहीं, मेरे दिल पर मार, मेरे दिल पर मार, मेरे दिल।